नमस्कार मैं हूं सौरभ कुमार न्यूज ट्वेंटी फोर बिहार झारखंड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है मैं एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूं बिहार की पांच बड़ी खबरों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को चौथी सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी रेल महासेतु के साथ साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की बारह परियोजनाओं का उद्घाटन किया कोसी रेल महासेतु का इंतजार बिहार के लोग पिछले 86 सालों से कर रहे थे यानी 86 सालों का सपना आज साकार हुआ इस सेतु के बाद मिथिला का उत्तर पूर्वी राज्यों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया इस मौके पर सुशील मोदी ने कोरोना काल के दौरान बिहार सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से किए गए कार्यों का उल्लेख किया सुशील मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि कैसे प्रवासी मजदूरों को करोना काल में बिहार लाया गया लेकिन सुशील मोदी का यह बात नीतीश कुमार को नागवार गुजरी नीतीश कुमार ने सुशील मोदी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि वह प्रवासी शब्द का इस्तेमाल ना करे क्योंकि जो राज्य के लोग होते हैं उनके लिए प्रवासी शब्द का इस्तेमाल करना गलत है सेवा सप्ताह के दौरान आज बीजेपी ने बिहार के सत्तर जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखा पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को दी गई थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदीप पात्रा ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और बहुमत के साथ बनेगी जहां तक आरजेडी की बात है तो यहां ना तो लालटेन में तेज है और ना ही प्रताप है राजद में केवल संपत्ति के लिए एक भाई दूसरे से लड़ रहा है संबित पात्रा ने रघुवंश बाबू के निधन के लिए तेज प्रताप को दोषी ठहराया है उन्होंने कहा कि एक लोटा पानी से राजद का तर्पण होगा दरअसल रघुवंश बाबू की नाराजगी के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा था आरजेडी समुद्र है उसमें एक लोटा पानी भी कम हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा अब बीजेपी तेज प्रताप के इस बयान को अपना नया हथियार बना लिया है बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा रामकृपाल यादव ने कहा कि तेजस्वी में नेतृत्व क्षमता नहीं है आगे रामकृपाल यादव ने यह या भी कहा कि तेजस्वी चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं उनकी एकमात्र योग्यता यह है कि वह लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं इसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं है तेजस्वी ना तो आरजेडी को संभाल रहे हैं और ना ही महागठबंधन को निश्चित तौर पर राम कृपाल यादव का यह बयान काफ़ी मायने रखता है क्योंकि एक समय में राम कृपाल यादव लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे यह थी बिहार की पांच बड़ी खबरें कल हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे बिहार की पांच बड़ी खबरों के साथ तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ ट्वेंटी फोर बिहार झारखंड यूट्यूब चैनल और हाँ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें